ये तो तुम्हारी दोस्त है ना? मैंने सुबह इन लोगों को बुलाया। I completely forgot. जय, इस सब कुछ में पार्टी? Just let's get it over with. Let's go. I need to put something on that. ये तेरे डैड की विल है ना? ये सब किसने किया यार? लुक, आई एम रियली सॉरी बडी, लेकिन तू हिम्मत नहीं हारना। यू जस्ट हैंग इन, ओके? देख जय, तू मेरा बहुत पुराना दोस्त है, इसीलिए अगर तुझे पैसों की कभी भी जरूरत पड़े तो तू बेझिझक मुझसे मांगना, मैं हूं ना। आई मीन ये घर, गुड कार्स, यू नो आई एम ऑलवेज रेडी फॉर अ गुड डील। मैं तुझे इन सब के अच्छे पैसे दिलाऊंगा। लेट्स गो। Don't worry, Jay. कोई ना कोई रास्ता जरूर होगा। There has to be a way. Think. सब खत्म हो गया। एक रास्ता है जय, अर्जुन बजाज। हाँ जानता हूं, आज जो भी स्टेशन पे हुआ, स्कूल में हुआ, अच्छा नहीं हुआ। ऋषभ को लेके जा रही हो ना, जाओ, नाटक नहीं चाहिए। कभी ना कभी तो ये होना ही था। शाबाश रघु, शाबाश। एक बार फिर जिंदगी को, हम सबको कोस लो तुम। कितनी कितनी बेईमानी की है हम सब ने तुम्हारे साथ। ये सब जो हुआ है हमारी वजह से तो हुआ है। ये सब मेरे साथ मेरे बाप की वजह से हो रहा है। अर्जुन बजाज हम लोगों के तलवे चाटता था, आज वो मुझे जानबूझकर वेट करवा रहा है। What's wrong with you, Jay? तुम समझते क्यों नहीं? इस वक्त तुम्हें इस आदमी से मतलब है, उसे तुमसे नहीं। सब समझता हूं, सब समझता हूं, बस एक बार मेरा टाइम आने दो। अखबार में भविष्य पढ़ा था, सुबह तरक्की होगी, सुकून मिलेगा, पैसा मिलेगा, बीवी आरती उतारेगी। बीवी गई, बच्चा भी गया। तो अब क्या करोगे? जिसने ये भविष्य लिखा है जाके उससे झगड़ा करोगे? तुम्हें लगता है रघु कि जब तक दुनिया नहीं बदलेगी तुम नहीं बदलोगे, लेकिन सच तो ये है कि जब तक तुम नहीं बदलते तब तक दुनिया नहीं बदलने वाली। बहुत बड़ा आदमी बनना चाहते हो तुम, पहले अच्छे इंसान तो बनो। मेरे डैड बहुत अच्छे आदमी थे, बहुत अच्छे इंसान थे, चैरिटी करना चाहते थे, इसीलिए मैं आपसे सौदा करने आया हूं। मैं कोर्ट से केस वापस लेने को तैयार हूं, अगर आप आधा हिस्सा लेने को तैयार हैं। आधा आपका, आधा मेरा, दोनों के लिए काफी है। तुम आधे की बात कर रहे हो, इससे डबल भी मिलता ना तो भी कम पड़ता तुम्हें।
अपने बाप के जीते जी तुमने उन्हें कभी खुशी नहीं दी और आज उनके मरने के बाद भी उनकी आत्मा को तुम दुख दे रहे हो। पैसा, लड़कियां, जुआ, शराब, अय्याशियां, जिंदगी भर इन्हीं चीजों के पीछे भागते रहे। तुम्हारे पिता की मौत भी तुम्हें बदल नहीं सकी। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे ऐसे बात करने की? तुम भूल गए हो कि मैं कौन हूं? मैं ये बात नहीं भूली रघु कि तुम घर से बनठन कर निकलते हो और हमसे छिपाकर बाहर जाकर टैक्सी चलाते हो। गुस्सा इस बात का नहीं है, गुस्सा इस बात का है कि तुम्हारी किसी से बनती नहीं है। 15 सालों में 23 नौकरियां, कल ये टैक्सी भी चली जाएगी, फिर कुछ और, फिर कुछ और, फिर कुछ और। इस और से मैं थक गई हूं। किस बात का घमंड है तुम्हें? हो क्या तुम? क्या किया है तुमने आज तक? तुम्हें क्या लगता है तुम्हारा ये हाल इस वजह से है कि तुम्हारे पिताजी ने तुम्हें पैसा नहीं दिया? अगर वो देते भी तो भी किसी न किसी दिन तुम्हारा यही हाल होता। कमी तुम्हारे अंदर है। मुझे लगता था बस तुम ही एक ऐसे हो, लेकिन आज तुम्हें एक ऐसा आदमी मिला जो बिल्कुल तुम्हारे जैसा निकला। ना तुमने उसका पीछा छोड़ा, ना उसने हार मानी। उसे बर्बाद करने की जिद में तुमने अपना घर बर्बाद किया रघु। तुम बर्बाद हो चुके हो जय मित्तल, और अगर कोई कसर बाकी है तो वो मैं कल कोर्ट में पूरी कर दूंगा।